अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों के बर्ड्स भी तंदुरुस्त और ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बजीज वर्ल्ड ऑफिशियल। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल की सारी वीडियोज़ को वॉच करें। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारा टॉपिक है, हमने ये बाय किया है रेड आइज़, ये बजी हमने बाय किया है हैंड टैम करने के लिए। ये तकरीबन 25 से 30 दिन का जो है पट्ठा है, बहुत ही खूबसूरत है रेड आइज़ में। ये रेड आइज़ में है, 25 से 30 दिन का जो है ये पट्ठा है। इसको हमने हेड टैम करने के लिए लिया है। तो आप सब व्यूवर्स से हम ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी को पता हो कि बजीज हैंड टैम हो जाएगा या नहीं, हैंड टैम हो जाएगा या नहीं। अभी तक तो हमारे साथ ये बहुत ही हैंड टैम हो गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हम इसको फीड वगैरह करा रहे हैं, सीरिलक वगैरह खिला रहे हैं और खाने में जो है इसको बाजरा कम कंगनी ज़्यादा खिला रहे हैं। देखें, रेड आइस में है, बहुत ही खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, दुआ करें कि ये बहुत ही जल्द हमारे हाथों में सेट हो जाए, हैंड टैम हो जाए। इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है, फुल येलो कलर है और इसको हम अलहदा से छोटे से केज में रख रहे हैं, ऐसा ना हो कि बड़े बजी इसके साथ लड़ें। ये देखें फ्रेंड्स, प्योर रेड आइज़ हैं, 25 से 30 दिन का पट्ठा है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये? दुआ करेंगे बहुत ही जल्द हमारे ये जो है हाथों में सेट हो जाए और इसको कुछ ना हो, क्योंकि हमें ये भी डर है कि ये भी बच्चा है, ऐसा ना कुछ ऐसे ना हो किसी को इसको कुछ हो जाए। तो फ्रेंड्स, दुआ करें कि बहुत ही जल्द ये सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।